अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप भी साडे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज दी वीडियो दे विच असीं डिस्कस करांगे कि जो कैप्टन साहब ने घर घर रोज़गार योजना स्टार्ट की, उहदे विच तुसीं ऑनलाइन रजिस्टर किवें करना है, की प्रोसैस है, कड़े कड़े डॉक्यूमेंट्स तुहाडे अपलोड होने आ, ते जे कोई भी पोस्ट निकलती है तुहानूं किवें पता लगेगा कि वह पोस्ट निकली है, तो तुसीं उस पर्टिकुलर पोस्ट वास्ते अपलाई करना है। ये सारे जिहड़े तुहाडे डाउट्स है इनकलूडिंग तुहाडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लस जॉब प्रोफाइल क्रिएट करनी प्लस उहदे विच अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तुसीं अपनी जॉब्स नूं सर्च करना, ये सारा कुछ तुहानूं मैं इस वीडियो दे विच प्रोवाइड करूँगा। सो इसलिए पूरे स्टैप्स देखियो, वीडियो नूं स्किप ना करियो, सो दैट जिहड़े भी इहदे विच इंपोर्टेंट चीज़ां मैं तुहानूं दसूँगा उन्हां बारे तुहानूं पता लग सके। सो सब तो पहले तुसीं की करना है, गूगल पर चले जाना है या डायरैक्टली तुसीं एड्रैस बार से सर्च कर लेना दिस वन PGRKAM.com। सब तो पहले तुहानूं पता है कोविड करके अर्जेंट नोटिस है, देख सकते हो 7 स्टेट लैवल मेगा जॉब फेयर इन्होंने, ठीक है जी, ड्यू टू कोविड करके बंद किया होया, ड्यू टू द एमरजेंसी कोविड 19 सिचुएशन द फिजिकल इंटरव्यूज हैज़ बीन पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस। बाकी होर तुसीं इत्थों चैक कर सकते हो, वैबसाइट वगैरह इत्थे अवेलेबल है। फिलहाल आपां रजिस्ट्रेशन देखते हैं किदां करनी है। तुसीं की करना इत्थे, सब तो पहले देखो इत्थे लिंक बनया होया रजिस्ट्रेशन का, अगर तुसीं पहले तो रजिस्टर किया होया अपना यूजर नेम अते पासवर्ड फिल करके तुसीं लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन यूजिंग OTP भी कर सकते हो, बट आपां नवीं रजिस्ट्रेशन करनी है। तुसीं रजिस्ट्रेशन ते क्लिक करना, जो तुसीं रजिस्ट्रेशन ते क्लिक करदे हो इत्थे तुहानूं डिफरेंट, ठीक है जी, इत्थे मोड्स मिलोगे। जॉब सीकर हुंदा कि अगर तुहानूं जॉब चाहिए है, इंडियन इंप्लॉयर कि तुसीं इंडिया विच काम करदे हो, लोकल सर्विस प्रोवाइडर कि लोकल विच तुहानूं कोई जॉब चाहिए है, काउंसलिंग प्रोवाइडर कि तुसीं काउंसलिंग वास्ते, ठीक है जी, काउंसलिंग जॉब प्रोवाइडर हो। सो इहदे विच ज़्यादातर आपां जॉब सीकर ही हुंदे आ जिहड़े जॉब नूं सर्च करदे आ, तुसीं इहनूं क्लिक कर देना। जदों तुसीं क्लिक करोगे सब तो पहले इत्थे तुहाडा नाम पुछूगा, तुसीं अपना नाम फिल कर देना, उस तो बाद तुहाडा लास्ट नेम पुछूगा, लास्ट नेम तुसीं फिल कर देना, तुहाडा जेंडर पुछूगा उह तुसीं फिल कर देना, तुहाडी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है तुसीं उह फिल कर देनी है, उस तो बाद तुसीं कड़ी डिस्ट्रिक्ट तो बिलोंग करते हो वह तुसीं अपनी डिस्ट्रिक्ट दे देनी है, कड़ी तुहानूं कॉन्स्टिट्यूएंसी पैगी वह तुसीं देनी है, उस तो बाद तुहाडी ईमेल ID इत्थे फिल कर देनी है, उस तो बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी तुहानूं प्रॉब्लम आती है तुसीं सानूं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अते साडे अपना जिहड़ा साडा टैलीग्राम ग्रुप आ उहनूं ज्वाइन करके अपनी तुसीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लै सकते हो। सो ये सारियां डिटेल तुसीं फिल करके एक बार थोरली चैक कर लेनी है, ठीक है जी, इहदे विच गलती ना करियो। एक बार प्रोफाइल क्रिएट हुंदी है तां उस तों बाद कुछ जिहड़ियां चीज़ां है फील्ड्स उहदे विच चेंजेस वगैरह नहीं हुंदे, ठीक है जी। ये सारी डिटेल फिल करके अगर तुहानूं इहदी, ठीक है, कम्युनिकेशन चाहिए है, ठीक है, पोर्टल तों उहदे लई तुसीं यस कर देना, टर्म्स एंड कंडीशन नूं सैटिस्फाई करके तुसीं इत्थों सबमिट करना। जदों तुसीं सबमिट करदे हो नैक्सट आ पेज खुलदा है, इत्थे देखो फोन नंबर आ रहा, अगर तुसीं फोन नंबर चेंज करना इत्थों बैक आओ, ठीक है जी, ठीक है जी, तुसीं नंबर वगैरह चेंज करके अपना जो भी फिर तो डिटेल भर के, ठीक है, देखो दस्या हुआ है हाई यू आर रजिस्टर्ड सक्सैसफुली, यूजर ID तुहाडा फोन नंबर होगा, अते उस तो बाद तुसीं अपना वेरीफाई करना अकाउंट, अकाउंट वेरीफाई करने वास्ते जिहड़ा तुहाडा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो तुसीं इत्थे फिल किया होया इतने तो उन्हें एक OTP जाऊगा उन्होंने वालों, तुम्हें की करना है उस OTP इतने फिल करना है, OTP नाल दे नाल आ जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 4 नंबर का OTP होगा और ही जिहड़ा पासवर्ड होगा, ठीक है जी, इनू तुसीं सबमिट कर लेना। सबमिट करके तुसीं आ देखो लॉगिन हो गया, हुण लॉगिन विद OTP तुसीं करना है, ठीक है, डायरैक्टली तुसीं पासवर्ड फिल करके भी कर सकते हो, पासवर्ड थोड़ा ना लेंथी हुंदा इस करके आपां डायरैक्टली OTP ना लॉगिन करते हैं, लॉगिन विद OTP करना तुसीं, जदों तुसीं इत्थे क्लिक कर दोगे, ठीक है जी, मैसेज आऊगा बाहर क्लिक कर लो गायब हो जाऊगा, उस तो बाद तुसी इत्थे फिल कर देना अपना फोन नंबर अते गैट OTP ते क्लिक कर देना है, अगेन तो एक होर OTP आऊगा उस OTP नूं तुसी फिल करना है, उस तो बाद लॉगिन ते क्लिक करना है, इत्थों मैसेज भी आता कि तुहाडा OTP सेंड हो गया तो सक्सैसफुली तुसी लॉगिन हो गए हो, इन्हें आपां सेव कर लैंदे हां, ठीक है। हुण ये आपां सारी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, तुहाडी फोटो भी लगेगी इत्थे, सारी प्रोफाइल है, सो ये स्टैप्स बड़े ही ध्यान नाल दिखने, तुसीं इहदे विच गलती वगैरह ना करियो। उस तो बाद सब तो पहले तुसीं इत्थे प्रोफाइल ते क्लिक करना है, इत्थे तुसीं क्लिक करके अपनी फोटो अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज तुसीं इत्थे प्रोफाइल डिटेल च जाके आ देखो, इत्थों भी तुसीं एडिट इमेज ते जाना है, इत्थों तुसीं अपनी फोटो चूज़ कर लेनी, सब तो पहले जरूरी नहीं पहले फोटो चूज़ करनी, जिले मर्जी कर लो, तुहाडा मोबाइल नंबर है, बाकी सारी डिटेल्स है, जिहड़ी डिटेल्स पेंडिंग है तुसीं फिल कर लेनी है, इत्थे डेट ऑफ बर्थ है,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਈਅਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਐਰੋ ਬਟਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਿਓ। ਵੈਸੇ ਐਡੀਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੈਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੈਲਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਂਡਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਰਿਟਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੋ, ਮੈਰਿਡੋ, ਅਨਮੈਰਿਡੋ ਜਾਂ ਸੌਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੁਕੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਮਾਟੀਰੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਲੈਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ, ਇੰਪਲੋਇਡ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੈਣੇ। ਤੀਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ PDF ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਰਿਕਾਰਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਅਪਡੇਟਡ, ਅਪਡੇਟਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦਿਸ ਵਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਸਡਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਲਡ ਅਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਡੇਟ ਅਗੇਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੈਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਟੀਰੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਡਨ ਹੈ। ਸੇਵ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਈ ਜੋਬ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੋਬ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਜੋਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, BFSI, ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ IT ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮੈਂ IT ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਟਰ ਰੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ IT ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਚੂਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਅਨਦਰ ਜੋਬ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੋਬ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। IT ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੀਲਡਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਮੋਰ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫੀਲਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, BTECH ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਸੌਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਲਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯੈਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈ ਡਿਫੋਲਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਅਗਲੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋਬ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ
आ निकली अपनी फिशरीज ऑफिसर दियाँ लीगल क्लर्क दियाँ निकलियाँ। मैं आई टी फील्ड की गल की वो अकॉर्डिंग से आ देखो यंग प्रोफेसनल लीगल पटियाला निकलियां हुई हैं। ठीक है, इतने देखो जी तुम उन्होंने कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। क्लिक हेयर उन्हों का नोटिफिकेशन रीड करने वास्ते अप्लाई किदा होना, ऑनलाइन होना है, घट तो घट एज 18 साल चाहिए है। ठीक है, इतने तुम अप्लाई हेयर से क्लिक करके इन्हों का इतने पेज खुलूगा, वो तुम इन्हों कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिलहाल पेज इन्हों का अवेलेबल नहीं है ड्यू टू वैबसाइट एरर हो सकता है। लीगल क्लर्क का दिख लें, इतने वैबसाइट अवेलेबल है। आ देखो जी पीपीएससी की वैबसाइट है, तुम ये ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। सो इदा तुम अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जॉब सर्च कर लेनी है। सर्च काउंसलर तुम इतों सर्च कर सकते हो। ठीक है, काउंसलर केड़ी तुम्हें फील्ड का चाहिए, जिदा ला लो जी इतने फील्ड अपना चूज कर लें, डिफरेंट फील्ड्स है जी तुम फील्ड चाहिए है वह तुम इतों काउंसलर चूज कर लेना। आ देखो जी आ है काउंसलर, तुम इन्हों कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिलहाल इन्हों का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, इन्हों का कॉन्टैक्ट नंबर दिता हुआ, ईमेल भी दी हुई है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन्हों का, इन्हों की कोई डिटेल नहीं दी हुई। उस तो बाद काउंसलिंग एंड सॉन, ठीक है जी, फॉरन काउंसलिंग वास्ते भी तुम इतने सर्च कर सकते हो, कीवर्ड दे सकते हो कहदे वास्ते चाहिए, सैशन कैरियर वास्ते चाहिए, वोकेशनल मोटिवेशन सैशन कि चाहिए, मोड कहड़ा चाहिए वो तुम देख लेना। कोई क्यूरी है तुम इतने अपनी क्यूरी फिल कर सकते हो कि सर मैंने इस तरह जॉब चाहिए, जिदा ला लो मोबाइल रिलेटेड ऐप कोई ढड़ी ऐप हैगी, कोई वैबसाइट रिलेटेड कोई काम होए सानू दसो, वे रिलेटेड तुम इतने ठीक है जी सर्च कर सकते हो। द मोबाइल ऐप है तुम फिल कर देना, एप्स एग्जाम्पल वास्ते मैं सबमिट करता, क्यूरी साड़ी उन्होंने को चल गई, टिकट साड़ी जनरेट होगी, उन्होंने सानू शो कर देनी बाद में। ठीक है, ये आजगा देखो क्यूरी ऐड होगी, हले इतने मैंने टोकन नंबर मिले, टिकट नंबर मिले, बाद सोलो आजगा। डिस्कशन फॉरम है जी, ये तुम डिस्कशन वगैरह कर सकते हो, इतने चैट सैक्शन होगा, उन्होंने तुम चैट वगैरह कर सकते हो, जिदा आप तुम पता है चैट वगैरह करते हैं, व्हाट्सएप पर हो गया, फेसबुक पर हो गया। ये साड़ी प्रोफाइल हले 30% कंप्लीट हुई है, सो जड़िया जड़िया डिटेल्स है साड़िया मिसिंग वो तुम देख लेना। उस तो बाद साडा एड्रैस है, देखो मैं तुम्हें अलग अलग सर्च किया उसका बाकी डिटेल दिख लें। एड्रैस पर जाना है, एड्रैस तुम इतने फिल कर देना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कड़ी पैगी, जड़िया स्टार फील्ड्स है ये जरूरी है फिल करनी है। ठीक है, सेव एंड नैक्स करता, इतने साड़ी लोकैलिटी रह गई है जी, अर्बन सिटी वाला हों, रूरल पेंडू एरिया हों, आप रूरल कर लें जी, विलेज केड़ा जी आप चूज कर लिया, नेक्स कर रहे हैं, ये डिटेल सेव हो गई है। देखो जिथे एक ग्रीन मैसेज आ गया डैट मीनस कि ताकि डिटेल सेव हो गई है। फिजिकल एट्रीब्यूट्स कोई डिसेबिलिटी वगैरह हैगी है, ठीक है, अगर नहीं है तो हाइट ताकि किन्नी है, ठीक है जी 5 फीट। उस तो बाद चेस्ट किन्नी है आप एस्टीमेटेड लिख लें चलो, ठीक है जी, आई साइट किन्नी है नॉर्मल है, वेट किन्ना है जी, उस तो बाद ब्लड ग्रुप केड़ा है तुम इतों चूज कर लेना। उस तो बाद इनू भी सेव नैक्स कर देना, जेडे इतने ग्रीन मैसेज आ गया डैट मीन डिटेल ताड़ी इतने सेव हो गई है। बेसिक एडिशनल एजुकेशन पर जाना है, क्वालिफिकेशन साड़ी सी ग्रैजुएशन, लैंग्वेज केड़ी इंग्लिश, बोर्ड केड़ा सी साडा ग्रैजुएशन का पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अगर इतने नहीं है तो एक बार देख लें, डीएवी अभी नहीं है, सो इतने तुम देख लो अगर मिलता ठीक है, आप इदा करते टैंपरेरी इनू बाद भी चेंज कर लूँगे, मैं पीएससीबी इतने लिख लिया। ठीक है, उस तो बाद ताडा सब्जेक्ट थी तुम इतों सर्च कर लेना, उस तो बाद स्कोर किड़े वे सी, परसेंटीज परसेंटाइल सी, ग्रेड सी, वो तुम इतने करना किन्ने परसेंट सी, वो तुम इतने भर देने हैं। ईयर ऑफ पासिंग केड़ा सी ताडा वो तुम फिल कर देना, इतने तुम सीवी अपलोड करना, सॉरी सर्टिफिकेट ग्रैजुएशन का फाइनल ईयर का कर दौ। उस तो बाद होर कोई डिग्री की हुई है तुम उन्होंने इदा पोस्ट ग्रैजुएशन 10th 12th सारिया फिल कर सकते हो, तुहाडी नीड है। फिलहाल आप सीधी ग्रैजुएशन की है, उस तो बाद सेव कर देना। सेव करन तो बाद देखो ये बेसिक अते एडिशनल एजुकेशन आ रही है। ठीक है, ये तुम ग्रैजुएट अपना करता सी, इंग्लिश करता सी, बोर्ड अपना करता सी पीएससीबी। ठीक है, कोर्स अपना इतने चूज कर लेना है, ठीक है जी, उस तो बाद ईयर अपना कर लिया परसेंट सीगा किन्ने सी 75, उस तो बाद ईयर कड़ा सीगा अपना 19 कर लिया। नाल ही तुसी इतों करनी है जी एडिशनल इनफॉर्मेशन, ठीक है जी, एडिशनल भी ताडी स्किल केड़ी है, केदे विच है, आईटी कम्युनिकेशन विच, ठीक है, इंस्टीट्यूट केड़ी दिस वन, ड्यूरेशन ठीक है जी 1 ईयर, 1 लिख लो, मंथ विच ताडे किन्ने महीने हो गए, 1 साल यानी कि 12 महीने। सर्टिफिकेट उसे एक अपलोड करना है, कोई एडिशनल एजुकेशन कोई सर्टिफिकेट कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया होता, ईयर ऑफ पासिंग 2019, इनू तुम सेव एंड नैक्स कर देना। देखो इनसर्ट सक्सेसफुली, उस बाद एक्सपीरियंस वगैरह है तुम सेव कर देना, अदरवाइज नो है तो ओके कर दो।
ये हूँ ढाई जी प्रोफाइल आ देखो 60% कंप्लीट हो गई है। आ देखो यू हैव दिस वन एडिशनल चेंजेस अपना कुछ साढ़े इतने अनसेव है एक बार देख लेने तुसी इतों प्रोफाइल पर क्लिक कर देना बाकी सारी प्रोफाइल कंप्लीट करने वास्ते या माई प्रोफाइल पर जाके भी तुसी इतने देख सकते हो सारी डिटेल फिलहाल ओके साड़ी। उस तो बाद इतने आप नेक्स्ट करते हैं एड्रैस वगैरह भी साड़ा ओके है फिजिकल दे विच साड़ा सब कुछ डन है बेसिक एडिशनल साड़ा दोनों डन है ठीक है जी। नीचे सब कुछ ऐड है ये तो तुसी डिलीट भी कर सकते हो मॉडिफाई भी कर सकते हो एक्सपीरियंस फिलहाल कोई नहीं इस करके आप रखा है इदा तुसी बाकी नीचे जिहड़े सारे ऑप्शन मैं तुहानू दस्से इन्हां नू करके देखो ये सी पूरा प्रोसैस कल नू कोई भी जॉब निकलती है तुसी इत्थे माई जॉब सर्च माई जॉब्स के अंदर जाना है ठीक है जिहड़ी भी तुहानू जॉब चाहिए है ला लो। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कित्थे सिलेक्ट किया गवर्नमेंट वास्ते अप्लाई किया ठीक है जीओपी किया सर्च किया ये रिलेटेड जिहड़ियां जिहड़ियां पोस्टां निकलियां हुई हैं देखो इत्थे सर्च होंदियां पईयां आ देखो ये टेक्निकल या नॉन टेक्निकल टेक्निकल चाहिए सर्च किया देखो इतने पोस्ट आती पी है नॉन टेक्निकल देखते हैं नॉन टेक्निकल विच भी एक जॉब है इतने आप हम प्राइवेट करते हैं प्राइवेट के अंदर देखो कोर्स पूछता पाया ये होना चाहिए सैलरी कितनी चाहिए तुम बिकॉज सैलरी के अकॉर्डिंग भी ताकि चीज़ सर्च होंगी एक्सपीरियंस इतने एक साल का है लोकैलिटी तुम्हें कितने चाहिए चलो आप ऑल ओवर पंजाब लेने हैं तुम्हारी एज कितनी है ठीक है तुम्हें एज देनी है उस तो बाद इतने सर्च कर लेना है इस प्रोफाइल में फिलहाल मैच कर दे कोई भी जॉब नहीं है तुसी तो अपनी जॉब्स वगैरह सर्च कर सकते हो वे मैं तुम्हें दसदा सो ये सी पूरा प्रोसैस पंजाब घर घर रोज़गार योजना जिहड़ा ये प्रोसैस स्टार्ट किया है ठीक है जी सीएम ऑफ पंजाब ने कि तुसी ऑनलाइन रजिस्टर